सुहाना का एक निजी अस्पताल प्रीत नर्सिंग होम व सर्जिकल सेंटर जो राहो रोड कुलदीप नगर की मुख्य गली में चलाया जा रहा है और यह है इस अस्पताल के मालिक एसएस अरोड़ा जो अक्सर ही इलाज में कोताही के चलते विवादों में घिरे रहते हैं, जिनके खिलाफ अक्सर ही प्रदर्शन होना एक आम सी बात हो गई है। लेकिन डॉक्टर साहब को प्रदर्शन का मानो कोई फर्क ही नहीं। उनका मानना है कि प्रदर्शनों का क्या, ये तो होते ही रहते हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ महीने पहले भी इसी हॉस्पिटल में इलाज में कोताही के चलते नवजन्मे बच्चे की गर्भ में मृत्यु होने के आरोप लगे थे, जिस पर एडीसीपी गुरप्रीत सिंह सिकंद ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बात कहे मामला शांत करवाया था। मुझे पता चला कि सिकंदर भाई के वाइफ जो है यहाँ आई थी चेकअप कराने, तो उनको बताया गया कि भाई ये बच्चा शायद ये खराब हो चुका है, तो उसका बोला कि ठीक कर दो इसको। उसने पैसे लिए 4500 रुपये और इसको ठीक कर दिया। फिर उसके बाद में कहा कि मैं इनको साफ सफाई कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी जो है 5 महीने बाद पता चला कि अभी गर्भवती है, तो अब जो है दिखाने के लिए लाया तो कहता है या तो माँ बचेगी या बच्चा बचेगा, दोनों में से एक को बचा लो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस तरीके का ट्रीटमेंट है, किस तरीके का इलाज आप करते हैं कि आप एक सफाई के नाम पे पैसे ठगते हैं, दूसरे को उल्लू बनाते हैं। वैसे भी ये प्रीत हॉस्पिटल बदनाम हो चुका है, कई बार यहाँ मजदूर लोगों ने शिकायत किया है, जो ऑपरेशन इनसे होता नहीं है वो भी सकार लेते हैं और वो भी ऑपरेशन जैसे तैसे कर देते हैं। पेशेंट यहाँ कराता रहता है, रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, सुनने वाला कोई भी नहीं है। जो हॉस्पिटल गरीबों को, मजलूमों को, इंसानों को सही ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, सही इलाज नहीं कर सकता, वो हॉस्पिटल को लाइसेंस रद्द कर देनी चाहिए। सर ये इनके साथ इनके हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा मामला ऐसे उठते हैं और बहुत ज़्यादा इनका ट्रीटमेंट सही नहीं है, तो मैं यही चाहूँगा कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, नहीं तो ये अपना सही इलाज करे। पेशेंट क्यों जाता है, डॉक्टर सेकेंड गॉड कहलाते हैं, लेकिन ये गॉड के नाम पर ठगी करता है ये। देखो पेशेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लियर हो गई, खत्म हो गई। मेरा डॉक्टर सर पहले भी कई बार टेस्ट हो चुके सर, हस्पताल है, काम करोगे तो कुछ ना कुछ तो होएगा ही कभी, ठीक है ना। हस्पताल है जो इन मरीज डील करोगे सारा दिन, किसी ने कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। मुआवजा वगैरह कोई मुआवजा नहीं दिता जी, प्यार मुहब्बत समझा के गल बात खत्म हो गई, समझाता कोई ऐसी गल नहीं है। कोई बात नहीं।